व्हाट्सअप, मैं हूँ दीप्ति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो आप भी आइए हमारे साथ और देखिए कि चाइना में ब्रेकफास्ट में ये लोग क्या खाते हैं, यहाँ के कुछ पॉपुलर चाइनीज ब्रेकफास्ट आइटम्स। तो यही वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं चाइनीज ब्रेकफास्ट करने। तो ये है यहाँ पर इनके कुछ चाइनीज ब्रेकफास्ट, ये कुछ फ्रेंच टोस्ट टाइप है, ये कटलेट, सॉसेजेस, उतील के लड्डू कुछ है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। ये आटे को ये लोग फ्राई करके बनाते हैं, और ये जो होता है ये लोग सोया मिल्क के साथ खाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर पूरी टाइप कुछ है, और ये जो आपको एग्स दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, इनको टी एग्स बोलते हैं, और इनको सोया सॉस, टी और कुछ स्पाइसेस इनमें इनको पकाया जाता है। तो ये है कुछ पॉपुलर चाइनीज़ ब्रेकफास्ट आइटम्स जो यहाँ पर बहुत पॉपुलर है। अभी मैं आपको एक ब्रेकफास्ट आइटम दिखाती हूँ, चानफन, और देखते हैं कि वो कैसे बनाते हैं। तो अंदर चलते हैं और चानफन को बनाने का प्रोसीजर भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ डम्पलिंग्स है, और हाँ इंदु तो ये अभी चानफन बना रहा है। ये राइस के आटे का बनाते हैं, ये राइस के आटे को डाल रहा है इस बर्तन में, अंडा डाला उसने, जब बन जाता है तब ये ऐसे बनता है। ये बहुत टेस्टी होता है और ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है यहाँ पर। तो ये जो बर्तन है इसमें ये लोग चानफन बनाते हैं, ये देखो ये आ गया है, ये एक्चुअली स्टीम ही करते हैं। ये एग के साथ बनाते हैं, इसमें थोड़ा मीट भी डालते हैं कभी कभी, इसमें हमने उसको बिना मीट का बोला है। तो हम लोग आज सैटरडे को आए हैं इस रेस्टोरेंट में, और सुबह के 9:30 बजे हैं, और आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं ब्रेकफास्ट करने, और हमारा चानफन भी रेडी है, तो अब उसको ट्राई करते हैं। तो चानफन स्टीम राइस रोल जैसे ही होता है, और इसको ये लोग सॉस के साथ सर्व करते हैं, जिससे इसका टेस्ट और एनहांस हो जाता है। तो एक्चुअली चानफन जो है ये मेरा यहाँ का सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट है। वैसे तो यहाँ पे नूडल्स, डम्पलिंग्स वगैरह बहुत कुछ होता है, मैंने अभी आपको बाहर दिखाया, बट चानफन जो है ये मुझे बहुत पसंद है। और हमने एक्चुअली चानफन यहाँ पर काफ़ी जगह पे खाया है, कि बिकॉज यू नो जैसे आपने यहाँ पर डोसा, पोहा, ये जो कितने कॉमन आइटम्स होते हैं ब्रेकफास्ट के और हर जगह पे मिलता है, वैसे ये चानफन भी सब जगह पर मिलता है। बट ये जो रेस्टोरेंट है ये जो है ये वूहे स्टेशन के पास है, और यहाँ पर जो चानफन मिलता है वो अब तक का मुझे बेस्ट लगा है। ये अगर आप देखेंगे तो आपको ये लेयर्ड स्टीम राइस रोल जैसे ही लगेगा। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं चाइना आई थी, आई थिंक सेकेंड या थर्ड डे ही हमें एक फ्रेंड ने डिनर के लिए बुलाया था, तो तब उसने मुझे चॉपस्टिक दिए थे, और मैंने कहा था मुझे चॉपस्टिक यूज़ करना नहीं आता है, बिकॉज मैं तभी जस्ट मैं आई थी चाइना में, तो मुझे चॉपस्टिक इतना यूज़ करने नहीं आ रहा था। तो फिर उसने कहा था कि तुम आज तो स्पून से खा लो, बट जितना जल्दी हो सकेगा उतना तुम चॉपस्टिक यूज़ करना सीख लो, बिकॉज कुछ कुछ चाइनीज फूड आइटम्स ऐसे होते हैं ना जो आप चॉपस्टिक से खाओगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, जैसे कि ये चानफन, ये अगर आप चॉपस्टिक से खाओगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट है रादर देन आप स्पून कर यूज़ करो। इसलिए अगर आप चाइना आने का प्लान कर रहे हो तो चॉपस्टिक यूज़ करना थोड़ा सीख लो, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ है और वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, हमने भी यहाँ पर आके सीखा है। तो वंस यू कैन यूज़ चॉपस्टिक, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे खाने के लिए आपको कन्वीनियंट हो जाएंगे।
ये सेल्फ सर्विस का काउंटर है, आप यहाँ पर जाके आपको जो भी आइटम्स चाहिए वो आप ले सकते हो, उस हिसाब से ये लोग बिल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आइटम्स रखे हैं। यहाँ पर रखा है, ये है यांताओ, ये कुछ लड्डू के जैसे, ये है बॉइल्ड एग्स, फ्रेंच टोस्ट, ये देखिए कुछ रैप्स रोटी के जैसे, ये थोड़ी स्वीट है, पोटैटो कटलेट, ये भी अगेन चपाती के जैसे ही लग रहा है, पूरनपोली जैसे, बट इसमें स्वीट पोटैटो स्टफ है, सॉसेजेस, ये सब्जियाँ नूडल्स के साथ खाने, हाँ कुछ पीनट्स, फिर यहाँ पर कुछ स्टीम किए हुए कॉर्न, और आगे है ये स्वीट पोटैटो, फिर कुछ नूडल्स, ये भी काफ़ी टेस्टी होते हैं, ये हमने लिए हैं, वो मैं दिखाऊंगी आपको आगे। फिर यहाँ कुछ राइस की कॉन्जी बोलकर ये बनाते हैं, ये राइस की गंजी जैसे होता है। और यहाँ पर आपको ये जो कप्स दिख रहे हैं ये सोया मिल्क के कप्स हैं, और ये बाउज, ये भी काफ़ी पॉपुलर ब्रेकफास्ट है, ये मैं किसी और दिन दिखाऊंगी। और जो दूध जैसे तो दिख रहा था वो सोया मिल्क है। संदीप ने ये कुछ नूडल्स भी लिए हैं, और ये कुछ पूरी जैसा है। अब नूडल्स देखते हैं, कैसे हैं नूडल्स? और वो क्या है, वो मालपुआ जैसे कुछ लग रहा है ना, वो क्या है, मालपुआ टाइप है, स्वीट है शायद ना, अच्छा है कि नहीं? ओके, तो वो थोड़ा सा स्वीट है। तो अभी हमने जो ब्रेकफास्ट किया उसका जो बिल था वो अराउंड 20 RMB हो गया था, दैट इज 200 रुपये इंडियन करेंसी में। तो आपको क्या लगता है, दो जन के ब्रेकफास्ट के लिए 200 रुपये इज वॉट, लाइक इज इट एक्सपेंसिव, इज इट रीजनेबल या चीप? आपको जो भी लगता होगा मुझे कमेंट करके आपके व्यूज़ ज़रूर बताइए। आज वीकेंड है तो यहाँ पर काफ़ी कम रश है, अदरवाइज़ तो यहाँ पर बहुत रश होता है, मेट्रो के पास भी है ये रेस्टोरेंट, तो काफ़ी लोग यहीं से ब्रेकफास्ट लेके जाते हैं काम पर जाते जाते। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना इलेक्ट्रिक बाइक्स, ये यहाँ पर बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर लोकल कम्यूट। तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ चाइनीज़ ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। तो क्योंकि छानफन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा था चाइनीज़ ब्रेकफास्ट में सबसे पहले मैं आपको छानफन दिखाऊंगी, किसी और व्लॉग में मैं कुछ और दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए चाइनीज़ ब्रेकफास्ट में भी। तो किसी और व्लॉग में मैं कोई और कुछ और टाइप ऑफ चाइनीज़ ब्रेकफास्ट दिखा दूँगी। मगर आपको अगर चाइनीज़ फूड में इंटरेस्ट है और यहाँ के कुछ ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड देखने हैं तो मेरे चाइनीज़ फूड वीलॉग्स देखना, मैंने वो स्क्रीन पर लिंक कर दिया, आप यहाँ पर क्लिक करके वो वीलॉग्स भी चेक करना, वो वीलॉग्स भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे।